श्रीराम समर्थ मार्च 16। गृहस्थी की आसक्ति कैसे कम होगी? हमारी आज की स्थिति के बारे में जरा सोचिए। गृहस्थी को हम छोड़ नहीं सकते, भगवान का प्रेम हमें चाहिए। हमारी यह इच्छा है कि गृहस्थी के प्रति हमारा जो प्रेम है उसका त्याग न करते हुए हमें भगवान के प्राप्ति का संतोष हो। वस्तुतः हमारा यह प्रेम व्यभिचारी है। प्रेम भावना ऐसी है कि वह किसी एक ही बात के लिए स्थायी हो सकती है। एक ही म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे ही प्रेम भावना दो बातों के लिए नहीं हो सकती। हमारे लिए सच्चा सुख भगवान के पास ही है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें गृहस्थी का त्याग ही करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मुख्यतः गृहस्थी में हमारी जो आसक्ति है वह नष्ट होनी चाहिए। शास्त्र में भी यही कहा गया है। शास्त्र अनुभव से बना है। हमारा अनुभव, हम शास्त्रों के अनुभव से तुलना कर निर्णय नहीं लेते। गृहस्थी का असली मोल कितना है यह जब तक हम जान नहीं लेते तब तक हमारी उसके बारे में जो आसक्ति है वह कम नहीं होगी। वर्तमान स्थिति में गृहस्थी में सुख नहीं है यह अनुभव होते हुए भी आसक्ति छूटती नहीं। यह आसक्ति छूटने के लिए कौन सा मार्ग है यह जानना जरूरी है। गृहस्थी की हमें कितनी जरूरत है? कोई व्यक्ति जब टहलने के लिए जाता है तब हाथ में लकड़ी लेता है, तब ऐसा कोई नहीं कहता कि हाथ में लकड़ी लेना भूषण है। उसी प्रकार गृहस्थी की भगवान तक पहुंचने के लिए आधार मात्र की ही आवश्यकता है। गृहस्थी का भार संभालते हुए उसकी आसक्ति कम होकर भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए शास्त्रों के द्वारा निर्माण किए हुए बंधनों का पालन हमें करना चाहिए और उसके लिए हमें अपने आचार विचार और उच्चार का अनुकरण करना जरूरी है। यदि हम संस्कारों के अनुसार बर्ताव करेंगे तो हम में निश्चय ही निवृत्ति की भावना निर्माण होगी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति भी पूर्ण निवृत्ति पर ही है, इसमें संदेह नहीं। अब इसके बाद हम अपना धंधा प्रभु राम के नाम से प्रारंभ करेंगे तो लाभ या हानि जो भी कुछ होगी उसकी होगी। गृहस्थी सदाचार से करे। सदाचार मूलतः सबकी नींव है। नीति धर्म का आचरण हो। नीति धर्म के बंधन हमारे विकारों पर संयम करने के लिए ही हैं। विचारों से बहुत पवित्र रहे। किसी का भी द्वेष या मत्सर न करे और दूसरों के अहित का चिंतन न करे। उच्चार तो बहुत सावधानी से करने चाहिए। सबसे मधुर भाषण करे। जिस जिह्वा से हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं उससे दूसरों के अंतःकरण को वेदना न होगी, इसके लिए जागृत रहे। यह ध्यान में रखे कि जब किसी के अंतःकरण को वेदना या पीड़ा होती है तो हम भगवान को ही पीड़ा देते हैं। आज का मुख्य विचार, गृहस्थी से मन हटाकर भगवान की ओर लगाएं, उसमें संतोष है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।